बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोदी की गारंटी कह रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार सक्षम नहीं है, मोदी सक्षम है, एक आदमी सक्षम है। और गारंटी का क्या मतलब है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जब लोगों ने आपको उधर चुना है तो आपको काम करने के लिए भेजा है, गारंटी किस बात की? आपका वो काम करना दायित्व है, आप उसके लिए वहाँ भेज गए हो, काम करना बंद कर दो, लोग उतार देंगे, तो ये गारंटी में सवाल कहाँ आता है? इसमें गारंटी बिरेंटी ये सब बकवास है। सरकार ने अपने काम करने चाहिए, अपने फर्ज निभाने चाहिए। सर एक अंतिम सवाल, सत्ता की अगर बात की जाती है तो वो सत्ता से दूर रहता है, क्यों ऐसा, क्या कारण? वो इसलिए कि वो अपने दिमाग से नहीं चलता, वो खुद के दिमाग से कम चलता है, बाकी के लोगों के दिमाग से ज़्यादा चलता है, इसलिए बहुजन की हालत है। जिस दिन ये अपने दिमाग से चलेगा ना, बाकी की खैर नहीं होगी। राष्ट्रीय बहुजन भागीदारी आंदोलन अंतर्गत व बहुजन जागृति संघर्ष अभियान के तहत बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा मुंबई चैम्बूर के पीएल लोखंडे मार्ग के मातोश्री मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ने अपनी प्रमुख उपस्थिति दर्ज की। वहीं इस मौके पर डॉक्टर सुरेश माने ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन को अधिक से अधिक संघर्ष करने की जरूरत है ताकि वे अपना राजनीतिक क्षेत्र में वजूद कायम कर सकें। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के मुंबई अध्यक्ष दीपक चौगले ने की। देखिए एक रिपोर्ट। आज ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मैदान है जो जहाँ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, एक न्याय दिलाने की बात अगर की जाए, यानी बहुजन के जो संघर्ष की बात की जाती है, उनके भागीदारी आंदोलन की बात की जा रही है, आज इस नज़ारे में डॉक्टर सुरेश माने जो कि इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के, वो लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्या म्हणतो आदित्य माने यांना विनंती करेन की त्यांनी मंचावरती यावं। सगळ्या महापुरुषांना सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करून बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी चेंबूर विधानसभेच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय बहुजन भागीदारी आंदोलन अंतर्गत आणि छत्रपती शिवरायांच्या जयंतीच्या निमित्ताने औचित्य साधून आयोजित केलेल्या या जाहीर सभेला विचारपीठावरील सर्व मान्यवर, या सभेला उपस्थित आपण शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले सर्वजण मित्र बंधू आणि भगिनीनो, आज भागीदारी देत नाही आपल्याला बीजेपी, का तर ते सत्तेत आहे, ते सत्तेच्या शिखरावर आहे आणि सत्तेच्या शिखरावरती असलेला माणूस आणि पक्ष ठरवेल, सरकार ठरवेल कुणाला किती भागीदारी द्यायची, अंबानीला किती कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचे ते ठरवतील, अदानीला रेल्वे विकायची का नाही ते ठरवतील, मनरेगा योजनेसाठी बजेट द्यायचं की नाही ते ठरवतील। गेल्या 3 वर्षाची आकडेवारी आहे, मनरेगाचं नाही, आंबेडकरी चळवळीच्या नेत्यांची जबाबदारी नाही, आंबेडकरी चळवळीतल्या पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही, आता झालंय काय? आपण आंबेडकरी चळवळीच्या लोकांच्या अड्ड्यामध्ये जायचं आणि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईव्हीएम के कारण हम जीतेंगे नहीं, या 3 गोष्टी म्हणायच्या, बाकीच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवायची। अरे बीजेपीला नागडे करायची संधी आहे, त्याचं काय करता, त्याचा काय हिशेब किताब नाही करायचा, दलितांना पाणी नाही पाणी द्या, कुणाला म्हणताय, इंग्रजाला, पाणी कोण देत नव्हतं, इंग्रज देत नव्हता का पाणी, कोण देत नव्हतं पाणी, कोण देत नव्हतं पाणी,
भारतीय लोक देत नव्हते, सांगतात कुणाला, इंग्रजाला की दलितांना पाणी मिळत नाही, पाणी द्या. जन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष हमारे बीच डॉक्टर सुरेश माने मौजूद हैं. सर हमें आप ये बताएं कि आपकी जो पार्टी है इसका प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ है? एक तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, लगभग 30 जिले तक हम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से लगा हुआ गुजरात है, महाराष्ट्र से लगा हुआ इधर तेलंगाना है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा है और उत्तरी भारत में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. तो 7-8 राज्यों तक BRSP पहुंच चुकी है और उसमें हो सकता है कुछ बातें नहीं हुई तो चुनाव में आपको दर्शन देखने को मिलेगा. तो आगामी जो 2024 है, चुनावी साल ये कहा जा सकता है, ये जो चल रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति रहेगी BRSP की इस चुनाव? एक तो ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा. कारण ये है कि वर्तमान जो सरकार BJP RSS की है, मोदी जी की है, उनका एक तानाशाह रवैया है और वो रवैया सभी इलाकों में झलकता है. अर्थनीति हो, राजनीति हो, शिक्षा नीति हो, कृषि नीति हो. जैसे राजनीति का जब मैं कह रहा हूँ तो जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में BJP ने अपना मेयर जितवाया और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हकाल पट्टी की और हारने वाले उम्मीदवार को बिठाया, तो ये राजनीति में भी तानाशाही है. वो एक उदाहरण है. पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव बंद है. क्यों? 5 साल में जनगणना नहीं कर सकते, और जनगणना नहीं कर सकते तो कोई वैकल्पिक पर्याय भी देखना चाहिए. ये नहीं करना और उनके उसके बजाय ZP तालुका पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका, इसमें सरकार के प्रशासक बिठाकर सत्ता का केंद्रीकरण करना, ये भी क्या है? ये भी तो एक प्रकार की तानाशाही है. शिक्षा नीति में अब अनेक यूनिवर्सिटी में जो आउटडेटेड कोर्सेस है, धर्म के नाम पे, ग्रंथों के नाम पे, इनको लाया जा रहा है. ये कौन सी शिक्षा नीति है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश की इंडस्ट्री देना, इसको क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहेंगे? कृषि नीति के नाम पर देख रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या बात है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानून बनाने की दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार की नीति देखो, जब हमारे महाराष्ट्र में ये ओनियन की फसल ज़्यादा होती है, कांदा की फसल ज़्यादा होती है, तो मोदी सरकार उसके ऊपर, निर्यात के ऊपर बैन लगाती है. कॉटन जो विदर्भ में बड़े पैमाने पे होता है, वो ज़्यादा पैदा हो गया तो कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करने का, तो फिर वो फार्मर कमाएगा कैसे, किसान कमाएगा कैसे? मैं 5 साल में किसान का उत्पन्न डबल करूँगा, वहाँ मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है. मोदी और BJP का जो इंडिया शाइनिंग 2004 और 2024 में मोदी की गारंटी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. देश के मतदाता वसूल करेंगे, कोई पार्टी नहीं वसूल करेगी. नहीं, अगर दो इस पार्टी के यानी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष यहाँ आए, क्या कुछ रहेगा इनका अहम भूमिका, क्या रहेगी इस पार्टी की आने वाले चुनाव? पिछले 7 साल से बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी इस मुंबई में, महाराष्ट्र में एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है कि बहुजन समाज को अपने हक और अधिकार मिलने चाहिए. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र को सटे हुए जितने भी स्टेट हैं, जैसे गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर भारत में सभी स्टेट, दक्षिण भारत, ये स्टेटों में माने साहब ने पिछले 40 साल में बहुत मेहनत किया हुआ है, काम किया हुआ है. उनका नतीजा ऐसे उनको मिला कि आज 365 दिन वो महाराष्ट्र लेके देश के कई विभिन्न हिस्सों में रोज जाते रहते. कल गुजरात से आए हैं, आज तुरंत उन्होंने हमें डेट दिया. उनकी डेट मिलती नहीं है, 2 महीने पहले डेट मिली हमको और फिर वो हिसाब से हम लोग ने आज शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर, इस जयंती के मौके पे ये सभा हम लोग ने सर के माध्यम से ली
तो आपने देखा ये नज़ारा, हम आपको दिखाना चाहेंगे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का, जो कि आज कहा जा सकता है राष्ट्रीय बहुजन भागीदारी आंदोलन अंतर्गत बहुजन जागृति संघर्ष अभियान, यानी बहुजनों को जगाने का कार्यक्रम किया गया है। वो डॉक्टर सुरेश माने, जो कि एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने, जो कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इनका यह कहना है कि आने वाले समय में अगर बहुजन अपने आप को पहचान ले तो निश्चित ही सरकार उसकी बनने वाली है या बन जाएगी। आपने देखा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुरेश माने की उपस्थिति ने चार चांद लगा दिया इस मौके पर, और आने वाला जो समय रहेगा वह बहुजन हितार्थ रहेगा, यानी बहुजन के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।